गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा, इससे पहले वाले क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव के बारे में पढ़ा था और हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे. आज मैं आपको एक नई टर्म के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ. आज हमारा नई टर्म है वेव नंबर. नाउ व्हाट इज दिस वेव नंबर और हम इसे किस तरीके से यूज करेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स पेपर में पूछे जाते हैं. वेव नंबर इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार. न्यू बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ. इट्स यूनिट आर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. मतलब ये रेसिप्रोकल है वेवलेंथ का. मतलब वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/λ. बेसिकली बिकॉज यू रिप्रेजेंट वेवलेंथ थ्रू लैम्डा, तो लैम्डा का रेसिप्रोकल होगा वेव नंबर. नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद दैट. इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 2.4. The wave range of the visible spectrum extends from violet to red. Express these wavelengths in frequencies. Frequency निकालनी है, wavelength हमें दी है और speed हमें light की पता है 3 × 10⁸ meter per second. Simply value रखेंगे and we will find the answer. Now question number 2.5. Calculate the wave number and frequency of yellow radiation having wavelength this. अब देखिए, हमें पता है wave number क्या होता है. It is the reciprocal of wavelength. आपको यहाँ पर येलो रेडिएशन दिया है जिसका वेव लेंथ आपको दिया है 5800 angstrom. मतलब 5800 × 10⁻¹⁰ मीटर, क्योंकि angstrom में 10⁻¹⁰ मीटर होते हैं, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है. वी नो दैट न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ. वैल्यू रखी, वी फाइंड दैट, हमने आंसर निकाला. फ्रीक्वेंसी हमें पता है, स्पीड ऑफ द लाइट अपॉन लैम्डा होती है, तो लैम्डा हमें दिया है. स्पीड हम जानते हैं 3 × 10⁸ होगी एंड वी कैलकुलेट आर आंसर. दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड विद वेव नंबर. सो इट इज वेरी इजी. आप इसको और अपनी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिएगा. यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड बाय दैट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. में बेसिकली आज हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. व्हाट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी क्या थी? प्लैंक ने बहुत अच्छे से स्टडी की और स्टडी करने के बाद बेटा उन्होंने एक थ्योरी दी. वो जो थ्योरी है वो क्लासिकल फिजिक्स से रिलेटेड रखती है, 19th century में आई थी. तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ने, और आज हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे. सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव नंबर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो द मेन पॉइंट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आर: फर्स्ट इज द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज. ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम बात करेंगे. वॉट इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी? परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है? द मेन थिंग इज दिस, वॉट इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी? परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब है ऐसी बॉडी जिसमें से 100% या तो एब्जॉर्प्शन हो या 100% जो है एमिशन हो. हम ये नहीं कह सकते कि कुछ एमिशन है और कुछ जो है एब्जॉर्प्शन है. नो, 100% एब्जॉर्प्शन. जैसे कि एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे आसपास तो एक ही एग्जाम्पल वेल नोन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, एंड दैट इज अ ब्लैक होल. ब्लैक होल में जो चीज चली गई वो बाहर वापस नहीं आ सकती. दैट इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट था इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सर्फेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट. दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. वॉट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? दिस वर्ड इज कंप्राइज, इट मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फोटो प्लस इलेक्ट्रिक. बेटा, व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी स्ट्राइक through a metal surface, then electrons come out from the metal surface, and that electrons are known as photoelectrons, and this phenomena is known as basically photoelectric effect. Now I am going to discuss these two phenomena in detail. The third point of Planck's quantum theory is variation of heat capacity of solids as a function of temperature. बिल्कुल, हर एक solid का अपनी एक capacity है heat absorb करने की, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की. हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी सॉलिड्स हैं दे एक्सेप्ट लाइट और हीट इन द सेम मैनर. नो, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल थ्रू विच इट इज मेड अप ऑफ. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू
हाइड्रोजन, यस। बेसिकली जिस टाइम पर ये स्टडीज हुई उस टाइम पर हाइड्रोजन को लेकर बोर ने भी बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं, प्लैंक ने भी बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं, और लाइन स्पेक्ट्रम जो दिया है बेसिकली वो दिया है सिर्फ हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स पे डिटेल हम इनकी स्टडी करते हैं। तो वन बाय वन नाउ आई विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। What is a black body? A black body is a perfect body which totally absorb or totally emits. क्या करेगी emit वो? वो emit करेगी radiations. तो starting में जब आप एक black body को देना शुरू करते हैं, heat देना शुरू करते हैं, तो वो सिर्फ गर्म होती चली जाती है। हम कहते हैं black color. Black color, black color क्यों है nature का? उसका reason क्या है? क्योंकि वो सब तरह की जो radiations हैं उनको absorb कर लेता। तो that is a perfect ब्लैक बॉडी। और हमारे नेचर में अगर हम कहें तो सिर्फ ब्लैक होल्स के बारे में हम कह सकते हैं कि वो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, या हम एक ऐसी ब्लैक बॉडी बना लें जो कि और वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे। दिस इज द ग्राफ विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी। वेवलेंथ और इंटेंसिटी में ग्राफ खींचा गया, तो बेटा ये शो करता है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर आपने T2 ग्रेटर लिया है, T1 लेस लिया है, तो आप देख सकते हैं हाई टेम्परेचर पर इंटेंसिटी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, और लो टेम्परेचर पर वेवलेंथ ज्यादा है, इंटेंसिटी कम है। तो दिस इज द रिलेशनशिप। पेपर में बहुत बार ये ग्राफ पूछा जाता है। तो एन आइडियल ब्लैक बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी, एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इज इट क्लियर? एंड आपको डायग्राम के थ्रू भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन की गई है। देखिए यहाँ से ये रेडिएशन एंटर की बॉडी में और ये लगातार बॉडी में ही इधर से उधर जा रही है, बाहर नहीं आती। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट ब्लैक बॉडी। नाउ रिलेशनशिप गिवन बाय प्लैंक E इज इक्वल टू एच न्यू, ये एक रिलेशनशिप दिया प्लैंक ने। प्लैंक ने कहा एनर्जी जो है, जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके फ्रीक्वेंसी के, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर लाइट की आप बढ़ाते जाएंगे तो एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। एंड व्हेन यू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, नेचुरल सी बात है कोई ना कोई कांस्टेंट आता ही है, तो वो कांस्टेंट यहाँ पर आया है, एच से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, उसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कह रहे हैं। और ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है बेसिकली इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है 6.626 × 10⁻³⁴ joule/sec, दैट इज द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस फॉर्मूले पे बेस भी कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। वॉट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसकी डेफिनेशन से पता लग रहा है हमें। फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए वर्ड यूज हुआ। आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में ये एक मेटल की सरफेस है जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पर ये एक मेटल का सरफेस लगाया है, यहाँ पर डिटेक्टर लगाया है, ये डिटेक्टर है। डिटेक्टर का मतलब होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस तक रीच करेंगे ये बताएगा, सिग्नल देगा, और यहाँ पर ये एमीटर गैल्वेनोमीटर लगाया जिससे कि वो डिफ्लेक्ट होगा। तो जैसे ही एक सुटेबल लाइट की फ्रिक्वेंसी की लाइट इस पर पड़ी, इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकले, आउटर मोस्ट जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस के द्वारा, तो दैट इज व्हाई दे कम आउट, दैट आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे ही सर्किट पूरा होगा एमिटर आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमें ऐसे मेटल्स की जरूरत है जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत बहुत कम हो। मतलब क्या हुआ, जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत बहुत कम होगी तो उससे क्या होगा कि उसमें से इलेक्ट्रॉन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी हमें उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट देनी पड़ेगी। तो हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम वैल्यू है किसकी, फ्रीक्वेंसी की या वेवलेंथ की। तो दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस इज नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू नॉट, उसको हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन फ्रीक्वेंसी इस न्यू नॉट से ज्यादा होगी या बराबर होगी तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज फॉर टूडे, आज इतना पढ़िएगा। मैं
आज लाइव क्लास में भी आपके साथ इन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी एंड बेसिकली न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी. थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे.